अरे भाई पेपर ले लो पेपर। हेलो भाई, किस किस के पेपर बचे हुए मेरे पास? रुको भाई, इस घर के बाहर नहीं दिया था मैंने, यहाँ पर भी दे देता हूँ। अब बस भाई अपने मोहल्ले में जाना है और बस भाई इस घर के बाहर पेपर देना है। चलो भाई ये दो घर तो निपट गए, अब बस भाई अपने मोहल्ले में चलना है और भाई ये पेपर दे देना है बच्चे कुछ, फिर तो भाई अपना सारा का सारा काम भाई खत्म हो जाने वाला है। अरे यार गाइस, आप सभी लोग आ गए। गाइस यार आप लोग देख रहे हो भाई मैं पेपर वाले का काम कर रहा हूँ। दरअसल गाइस यार अभी यार लॉस सेंटर्स के अंदर महंगाई भाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है गाइस यार मुझे काम पर जाना पड़ता है यार। दरअसल गाइस यार मैं रोज सुबह उठकर भाई अपने मोहल्ले के अंदर भाई सभी के घर के अंदर पेपर डालने का काम करता हूँ, जिससे कि गाइस यार मेरा गुजारा तो हो जाता है, इतना कुछ पैसे नहीं मिल पाते यार इससे मुझे। छोड़ो भाई यार अभी क्या ही कर सकते हैं, बस भाई अभी बचे कुछ पेपर डालूंगा और घर पे जाकर भाई आराम कर लूंगा। वैसे गाइस यार आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब सिंचन कहाँ पर है। दरअसल गाइस यार सिंचन भाई मुझे एक महीने पहले भाई छोड़ के चला गया, क्योंकि यार भाई उसको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो यार भाई लॉस सेंटर्स का बहुत बड़ा विलेनर है। और भाई आपको पता है सिंचन यार उसके साथ मिलकर भाई बहुत ज्यादा अमीर बन गया यार। और गाइस यार उसके बाद में भाई सिंचन मुझे भूल ही गया यार। उसके बाद से गाइस यार सिंचन का मुझे कभी कॉल ही नहीं आया और ना ही भाई कभी मुझे दिखा यार वो लॉस सेंटर्स के अंदर। बस जितना कि गाइस यार मुझे पता है कि भाई यार अभी सिंचन के पास यार बहुत बड़ा मेंशन है जो कि भाई पूरा पूरा 500 करोड़ का यार। गाइस यार मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि यार सिंचन का मेंशन ढूंढ पाऊं, पर भाई यार मुझे सिंचन का मेंशन कहीं पर मिला ही नहीं यार। छोड़ो भाई कोई बात नहीं यार, बस भाई अभी शर्मा जी का पेपर देता हूँ और यार निकलता व्यास है। फ्रैंकलिन रुको तो सही। अरे क्या हो गया शर्मा जी? अरे फ्रैंकलिन यहाँ पर तो आओ यार, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बस अपना काम निपटा कर अपने घर पे जा रहा था। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें पता है लॉस सेंटर्स के अंदर आज क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है आज लॉस सेंटर्स के अंदर? मुझे तो भाई उससे कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, आज तो लॉस सेंटर्स वाले के लिए बहुत बड़ा दिन है। अरे कौन सा भाई शर्मा जी? अरे यार तुम्हें पता नहीं आज यार लॉस सेंटर्स के अंदर प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होने वाली है। क्या प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होने वाली है? मतलब भाई आज से भाई लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट बदल जाएगा? बिल्कुल फ्रैंकलिन, आज से भाई लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट बदलने वाला है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है भाई कौन बनेगा अगला नया लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट? अरे मुझे तो लगता है सिंचन नोहरा ही बनेगा। क्या सिंचन नोहरा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे हाँ हाँ बिल्कुल यार, वही तुम्हारा छोटा भाई जो कि तुम्हें छोड़ के चला गया था सिंचन, वो यार अभी मैंने सुना है लॉस सेंटर्स का बहुत बड़ा विलेनर बन चुका है। अरे हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही सुना। वैसे भाई मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें कहाँ से पता चला कि भाई सिंचन बनने वाला है लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट? अरे तो सिंचन के सामने कोई खड़ा ही नहीं है, बस सिंचन ही जाने वाला है वोटिंग के लिए। बाकी के लॉस सेंटर्स के लोग तो सिंचन से डरने लग गए ना अब, क्योंकि उसके पास तो अभी बहुत सारे पैसे है और यार अगर कोई उसके खिलाफ चला गया तो भाई साहब वो सभी को खरीद लेगा फटाक से। अच्छा ऐसी बात है, यार भाई साहब ये तो भयंकर सीन हो रहा है यार। वैसे गाइस यार क्या बोलते हो यार, चले भाई उस लॉस सेंटर्स के प्रेसिडेंट के वोटिंग में? क्योंकि गाइस यार मैंने बहुत टाइम हो गया यार सिंचन को देखा नहीं, अब पता नहीं भाई वो कितना बड़ा हो गया होगा और भाई उसके पास कौन कौन सी कार होगी यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन चलो चलो यार, मैं भी जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, अगर तुम भी आते तो साथ में चलता है। अरे नहीं नहीं भाई तुम चले जाना, वैसे भी भाई मैंने तुम्हें तुम्हारा पेपर दे दिया है, मैं वापस से पीछे से आ जाऊंगा या फिर भाई मैं तो नहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर सिंचन प्रेसिडेंट बनता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे हाँ बिल्कुल भाई बता देना, फिलहाल तो आओ भाई छोड़ो यार। भाई साहब ये क्या बातें चल रही है यार, ये सिंचन बनने वाला है यार? गाइस मुझे तो ये सब अफवाह लग रही है, ऊपर से भाई ये शर्मा जी मुझे बता रहे, ये बुड्ढा तो साला पागल ही है यार। कभी कभार गाइस मुझे ऐसा लगता ना कि भाई साहब मैं भी यार भाई बहुत ज्यादा अमीर होता, मतलब यार लिटरली भाई मेरे पास भी बहुत बड़ा मेंशन, महंगी महंगी गाड़ियां होती, पर भाई क्या ही करो यार भाई, रोज सुबह उठो और जाकर भाई लोगों के घर में पेपर डालो यार, यही काम करना पड़ता है मुझे। और भाई कल आ गया तू? बिल्कुल चौप भाई आ गया मैं अपने काम निपटा कर। फिर भाई कल तुझे पता चला आज की लॉस सेंटर्स की खबर? अब हाँ भाई मुझे पता चला कि भाई आज से भाई वोटिंग होने वाली प्रेसिडेंट के लिए। पर भाई कल तुझे ये तो पता है ना सिंचन होने वाला लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट? अबे भाई तू भी बता रहा है मुझे यही चीज? हाँ भाई कल तुझे और किसने बताई? अबे वही हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने। तो भाई कल आखिरकार तुझे पता चली गया कि ये सिंचन अपना प्रेसिडेंट बनने वाला है? अबे चौप तुझे सच्ची में लगता है सिंचन प्रेसिडेंट बन जाएगा? अब बिल्कुल भाई कल ये एकदम ताजा खबर है। और भाई तुझे पता है सभी लोग भाई साहब सिंचन से डरने लग गए भाई लॉस सेंटर्स के अंदर। अबे यार भाई ये लॉस सेंटर्स के लोगों को हो क्या गया यार? अबे गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये सिंचन ऐसे कैसे भाई इतना ज्यादा अमीर बन सकता है यार? ऐसा क्या है भाई उसके पास? भाई मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है यार भाई साहब ये सब सोच सोच के। अब भाई कल भाई यहाँ पर तो आ एक मिनट तू। अबे क्या हो गया भाई चौप? पता नहीं भाई ये चौप का बच्चा क्या क्या बोल रहा है सुबह से, बोल भाई चौप क्या हो गया? अब भाई कल भाई मैं तो बोलता चल भाई जाते वहाँ पर और भाई देखते यार सिंचन कैसा। अभी भाई साहब मैंने तो कितने साल हो गए सिंचन को देखा भी नहीं है। अबे कितने साल नहीं भाई, एक महीने पहले ही चला गया था वो। अब हाँ वही भाई कल भाई एक महीने पहले गया था वो। हाँ भाई तेरी चौप बात तो सही है यार, भाई साहब मेरा भी बड़ा मन कर रहा है भाई सिंचन को देखने का, पर भाई तुझे पता है ना भाई सिंचन हमारी कितनी तगड़ी बेइज्जती मार के गया था यहाँ से। और भाई अब तो तुझे ये भी पता है कि भाई साहब अब तो हमें वो कॉल भी नहीं करता। अबे बिल्कुल भाई कल वो तो मुझे पता ही है, पर चलना भाई जाकर देखने में क्या ही जाता है। हाँ भाई चौप चल यार जा ही दे दे। वैसे भाई साहब अभी घर में बैठकर क्या ही करूंगा मैं, एक काम करता भाई फटाफट से भाई अपने कपड़े बदलता हूँ और भाई चलते यार फटाफट से उस वोटिंग में जहाँ पर भाई साहब सिंचन हार रखा है। चलो भाई वो तो जाकर देख लेंगे, फिलहाल तो भाई चलो यार फटाफट से कपड़े पहन लेता हूँ। चलो गाइस यार फाइनली मैं रेडी हो चुका, अभी चलते भाई चौप को लेकर फटाफट से भाई उस वोटिंग में जहाँ पर भाई सिंचन आ रखा है। भाई मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं भाई उस वोटिंग में, बस भाई मैं सिंचन को देखने के लिए जा रहा हूँ। चल भाई चौप आ जा फटाफट से भाई अपने बाइक के ऊपर चलेंगे। अब भाई कल मैं बाइक के ऊपर कैसे बैठ जाऊंगा? अबे तो चलना भाई इतना क्या फिकर करता, मैं बिठाता हूँ तुझे। अच्छा ठीक है कल रुक जा अभी आता हूँ। कल
भाई कल मैं बैठ गया। अच्छा ठीक है भाई, चल रहा हूँ यार। चलो गाइस अभी चलते भाई फटाफट से उसी इलेक्शन में जहाँ पर भाई अपना सिंचान यार प्रेसिडेंट बनने के लिए आ चुका है। वैसे तो गाइस यार अगर सिंचान अगर लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट बन जाता है तब तो भाई साहब उसके पास पूरे लॉस सेंटर्स को चलाने की ताकत आ जाएगी यार। तब तो भाई एकदम खतरनाक सीन हो जाएगा यार। अब हाँ भाई कल है, तब तो वो हमसे बात भी नहीं करेगा और भाई कल है फिर तो वो हमें पहचानने से भी मना कर देगा। बिल्कुल भाई साहब तुमने बिल्कुल सही कहा यार। भाई साहब काश ऐसा ना हो यार, अगर गाइस यार मैं लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट होता ना तो भाई यार मैं क्या क्या करता यार। तब तो भाई चौब तुझे पता हमारे पास भाई कितना बड़ा घर होता और भाई साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी होते। बिल्कुल भाई कलवे काश यार हम लोग भाई लॉस सेंटर्स के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाँ भाई तूने बात तो सही की यार। छोड़ भाई अभी वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा कि भाई अभी सिंचान प्रेसिडेंट बनने वाला है या फिर नहीं यार। बट इससे पहले गाइस यार आप सभी को पता ही होगा कि भाई साहब मैं आप सभी को यार अपने वीडियो के अंदर शाउट आउट देता हूँ। तो गाइस यार अभी अपना पहला शाउट आउट जाता है साहिल भाई को, इनका बर्थडे आता है 13 नवंबर को। तो गाइस यार इनका बर्थडे थोड़ा लेट आने वाला है, फिर भी गाइस यार इनको कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस लिख देना। तो गाइस यार अपना अगला शाउट आउट जाता है आयन भाई को, इनका बर्थडे आता है 13 अक्टूबर को। तो गाइस यार इनका भी बर्थडे भाई साहब बहुत ज्यादा लेट आता है यार। खैर कोई बात नहीं गाइस, इनको भी आप कमेंट के अंदर विश कर देना। एंड गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है साइक भाई को, इनका बर्थडे आता है 22 मार्च को। तो गाइस यार इनका बर्थडे यार बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला है, इनको यार गाइस फटाफट से कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस लिख देना। और गाइस आप इनके फेवरेट इमोजी भी देख सकते हो। और यार गाइस आपको भी ऐसा शाउट आउट चाहिए मेरे वीडियो के अंदर तो गाइस यार आप लोग एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब हां दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और यार गाइस कमेंट के अंदर अपना नाम और उसके आगे आपकी बर्थडे जरूर लिख देना। और यार ये देखो गाइस हम लोग पहुंच गए जहां पर भाई वो प्रेसिडेंट की वोटिंग होने वाली है। चलो भाई अभी चलकर देख लेते हैं। अबे भाई कलवे चल यार फटाफट से, भाई मुझे रुका नहीं जा रहा भाई सिंचान को देखने से। हां भाई आ जा यार चौप चलते हैं। चल चल भाई कलवे मैं तो आ ही रहा हूं। तो गाइस यार चलो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए। बट यार गाइस आप लोग इस इलाके को देख रहे हो भाई, कितना बड़ा एरिया यार। और गाइस आप लोग सामने जो बड़ा सा मेंशन देख रहे हो, मतलब ये मेंशन है या फिर नहीं यार वो तो मुझे भी नहीं पता। बट यार गाइस जो कोई भी लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट बनता है उसको यार पूरे के पूरे 5 सालों के लिए यहाँ पर रहने के लिए मिलता है यार। तुम लोग देख रहे हो भाई कितना बड़ा है। और यार यहाँ पर देख रहे हो गाइस कितने सारे लोग है। और भाई ये देखो यार जो प्रेसिडेंट बनेगा उसको क्या ही तगड़ी वाली सिक्योरिटी मिलने वाली, भाई क्या ही खतरनाक सीन है यार। अब भाई खलवा तू पहले सिंचान को ढूंढ यार। अबे सिंचान पता नहीं भाई कहाँ पर है यार। एक सेकंड गाइस तुम लोग वो देखो, वो रहा भाई सामने सिंचान और भाई वो पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा है। भाई कलवे मिल गया सिंचान। अबे बिल्कुल भाई चौप वो देख वहाँ वो सामने खड़ा रहा सिंचान। अबे भाई कलवे सिंचान तो अभी भी छोटा ही है यार। अबे बिल्कुल भाई वो तो अभी तक छोटा ही है। बट छोड़ भाई हम लोगों ने सिंचान को देख तो लिया एटलीस्ट, पर भाई पता नहीं यार अभी ये वोटिंग कब तक चालू होने वाली। चल भाई कलवे एक काम करता है, थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करता है, फिर देखते हैं भाई सिंचान अपना लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट बनता है या फिर कोई और बनता है। बिल्कुल भाई चौप तूने बिल्कुल सही कहा। चलो गाइस थोड़ी देर इंतजार करके देख लेते हैं कब तक यार अभी लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट आता है और यार वो अनाउंसमेंट करता है अगले प्रेसिडेंट की। आज यार मेरे लॉस सेंटर्स के प्रेसिडेंट का आखिरी दिन है, अब यार आखिरी दिन तो मैं एंजॉय करूंगा। बट उससे पहले यार आज हमें एक वोटिंग करनी है एक नए प्रेसिडेंट के लिए। चलो यार फटाफट से कर लेता हूँ अपनी अनाउंसमेंट, फिर यार स्टार्ट करेंगे। गिर गया, अरे यार ये किसने लगा दिया नीचे। छोड़ो यार अभी क्या ही टाइम वेस्ट करना, अब यार पहले तो अनाउंसमेंट करता हूँ फिर यार निकालेंगे अपना ये लॉस सेंटर्स का नया प्रेसिडेंट। तो आओ चलो यार फटाफट से अपनी अनाउंसमेंट करता हूँ। तो कैसे हो मेरे बहन और भाइयों, आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं हुआ आप सभी का करंट प्रेसिडेंट, जो कि यार आज से हटने वाला है और यार मेरे जगह के ऊपर कोई नया प्रेसिडेंट आने वाला है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि यार मैंने लॉस सेंटर्स के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए यार मैं भी चाहता हूँ कि लॉस सेंटर्स के अंदर अभी जो कोई भी अगला नया प्रेसिडेंट आएगा वो यार बिल्कुल मेरी तरह हो, जो कि यार लॉस सेंटर्स के लिए अपनी जान भी दे सके। इसलिए मैं आज यहाँ पर एक बढ़िया वाली वोटिंग करवाने वाला हूँ दो लोगों के बीच में, जो कि यार पहला होगा सिंचान नुहारा, अगला कौन होगा वो तो हमारे पास कोई है ही नहीं। तो यार आप में से जो कोई भी सेकंड प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहता है, आप में से कोई भी फटाफट से आगे आ सकता है, आपके पास बस 10 मिनट है, फटाफट से आ जाना। और यार मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ, आपको जो करना है वो कर लो, बस एक बढ़िया वाले प्रेसिडेंट को ही सिलेक्ट करना जो कोई लॉस सेंटर्स को एकदम बढ़िया तरीके से संभाल सकता है। बट सबसे पहले सिंचान नुहारा आप आगे आ जाओ, और यार आप सभी में से कोई एक कैंडिडेट आगे आ जाओ जो कोई सिंचान की टक्कर में खड़ा होना चाहता है। आपका टाइम चालू हो जाता है अभी। मेरे सामने कौन ही आएगा यार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने के लिए, बस मैं अकेला बनूंगा लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट, सारे के सारे लोग यार मुझसे डरते हैं। हेलो यार करंट प्रेसिडेंट, मैं यार बनना चाहता हूँ लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट, आपको तो पता ही होगा कि मैं हूँ सिंचान नुहारा। अरे हाँ सिंचान सर, मैं आपको जानता हूँ, आप यार लॉस सेंटर्स के बड़े बिलियनर जो। अरे बिल्कुल यार तुमने सही पहचाना, अब यार एक काम करो फटाफट से मुझे प्रेसिडेंट बना दो। अरे नहीं नहीं सिंचान सर, एक काम करो, आपको 5 मिनट यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने यार इन लोगों को 5 मिनट का समय दिया है, अगर कोई नहीं आता है तो मैं आपको लॉस सेंटर्स का प्रेसिडेंट जरूर बना दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है यार। अब भाई कल तूने देखा सिंचान आ भी गया भाई सामने। अब हाँ भाई चौब तूने बिल्कुल सही कहा यार। गाइस तुम लोगों ने देखा वो करंट प्रेसिडेंट ने यार भाई साहब 10 मिनट का टाइम दिया और भाई 5 मिनट तो बीत गया यार। बट गाइस तुम लोग देख रहे हो अभी अगर 5 मिनट के अंदर वहाँ पर कोई नहीं गया तो सीधा भाई सिंचान प्रेसिडेंट बन जाएगा यार। और भाई ये बड़ा सा घर और भाई इतनी सारी सिक्योरिटी, भाई सारे के सारे सिंचान को मिल जाएगी। अब भाई कल एक काम कर, भाई तू ही चला जा, क्या पता भाई तू भी प्रेसिडेंट बन जाए।
अबे नहीं भाई चौप, तू क्या पागल है क्या? तू देख रहा भाई 5 मिनट होगा, इनमें से भाई कोई भी आगे नहीं गया। इससे भाई तुझे भी पता चल रहा होगा कि भाई सब सभी लोग भाई सिंचाई से डर रहे। बिल्कुल भाई कल भाई तूने तो बात सही की यार, पर भाई तू तो नहीं डरता ना सिंचाई से? अबे हाँ भाई मैं तो नहीं डरता यार, पर भाई मैं खामखा वहां पर जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करा लूं यार? तुझे तो पता ही है ना भाई सिंचाई नहीं बनने वाला है लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। अबे पर भाई कल भाई जाने में क्या ही जाता है, एक काम कर भाई जा यार वहां पर, और भाई जाकर खड़ा हो जा, मैं भाई तुझे वोट दूंगा और भाई सभी लोगों से वोट दिलाऊंगा तुझे। पक्का भाई चौप ऐसा होगा? बिल्कुल भाई कल भाई तू जा तो सही। अच्छा ठीक है भाई चौप रुक जा अभी जाता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं भी जा रहा हूँ भाई एक कैंडिडेट बनने के लिए, मतलब भाई प्रेसिडेंट बनने के कैंडिडेट में खड़ा होने के लिए। तो चलो गाइस चलते भाई फटाफट से। हेलो सर मैं बनना चाहता हूँ अगला प्रेसिडेंट, जो कि भाई सिंचान के टक्कर में खड़ा होना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है सिंचान के सामने खड़े रहने की? अरे बिल्कुल सर, ये तो मेरा छोटा भाई है। फ्रेंकी भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई सिंचान मुझे देखकर चौंक क्यों गया तू? वो यार मैं बस ऐसे चौंक गया था, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अब बस भाई सिंचान ऐसे ही आ गया यार, तू भाई मुझे देखकर चौंक क्यों गया यार? अरे मैं थोड़ी चौंक गया, मैंने तो बस आपको बहुत दिनों बाद देखा ना इसलिए मैं डर गया था। अच्छा ऐसी बात है, वैसे बता भाई सिंचान कैसा है तू? अरे मैं तो एकदम बढ़िया यार, वैसे तुम कैसे हो? मुझे तो लगता है अभी भी तुम गरीबी हो गए। अब भाई सिंचान यहाँ पर क्यों बेइज्जती कर रहा है भाई तू मेरी, वो भी भाई सभी लोगों के सामने? हाँ तो यार मैं क्या करूँ, सभी लोगों को पता ही होगा कि यार तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, और तुम्हारे शक्ल से तो दिखता ही है कि यार तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तो यार मैं गरीबी बोलूंगा ना। अरे सर आप इसको संभाल के रखो भाई, मैं इसको मार दूंगा। अरे वो यहाँ पर हाथ आवाई नहीं करनी है, अगर तुमने कुछ ज्यादा किया तो हम लोग हमारी सिक्योरिटी को बोलकर यहाँ से तुम्हें भगा देंगे फ्रैंकलिन। अरे नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। आप एक काम करो सर, मैं भी यार भाई प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, आप एक काम करो फटाफट से वोटिंग स्टार्ट कर दो बस। हाँ ये हुई ना बात, अब चलो यार मैं अपनी अनाउंसमेंट दे देता हूँ। तो मेरे बहन और भाइयों आप लोग देख सकते हो आपके सामने फाइनली दो कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो कि यार प्रेसिडेंट बनने चाहते हैं, बट यार अभी इनको प्रेसिडेंट बनाना है या फिर नहीं वो तो आप सभी के हाथ में है। अभी यार हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर वोटिंग मशीन लगा देंगे, बट उससे पहले यार हमारे जो ये दोनों कैंडिडेट्स है ये यार आप सभी को एकदम बढ़िया वाली स्पीच देंगे। क्या कहा सर आपने? स्पीच यार ये तो मैं लिख कर नहीं आया था। अरे तुम्हारे मन में जो हो वो बोल देना। अच्छा ठीक है सर जैसा आपको। तो मेरे बहनों और भाइयों आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, जैसे यार इन दोनों की स्पीच यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब यार हम लोग यहाँ पर फटाफट से वोटिंग मशीन लगा देंगे, तब यार हमारे दो रूल्स होंगे वो यार ये दोनों कैंडिडेट्स फॉलो करेंगे। तो पहला रूल आता है ये दोनों कैंडिडेट्स आप सभी को लालच देकर आपसे वोट ले सकते हैं, और यार दूसरा रूल है जो कोई भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग यार फटाफट से कमेंट के अंदर अपना वोट दे सकते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को। हाँ आपने सही सुना, आपको अगर अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देना है तो आप सभी को कमेंट के अंदर अपने फेवरेट कैंडिडेट का नाम लिखकर उसके आगे कितने वोट्स देने आप वो लिख सकते हो। चलो यार अभी थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे तो पता ही है कि सिंचान सर लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बनने वाला है। पता नहीं है गरीब से फ्रैंकली भाई यहाँ पर क्यों आ गए यार, अभी यार मैं कितने अच्छे से प्रेसिडेंट बन जाता, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं बाद में देखूंगा इनको मैं। गरीब साले पता नहीं कहाँ से आ गए। अबे वो सिंचान के बच्चा अपना मुंह ज्यादा मत चला दू, नहीं तो साले यहीं पर लात मार दूंगा। यार तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? अब यार मैं इतने बढ़िया तरीके से प्रेसिडेंट बन जाता फिर तो यार मेरे पास कितनी सारी पावर आ जाती, फिर तो मैं पूरे लॉस सैंटोस को चला पाता। अबे वो सिंचान के बच्चे चुप बैठ अपना मुंह मत चला, बस भाई अपनी स्पीच दे और निकल यहाँ से। यार तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, रुको तुम पहले अभी मैं अपनी स्पीच देता हूँ। तो यार कैसे हो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वोटिंग में। मैं यार आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यार मैं हूँ सिंचान नोहरा, और यार आप सभी को तो पता ही होगा कि यार मैं लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा बिलियनर हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि यार एक बिलियनर लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बने तो यार आप सभी लोग एक काम करना, फटाफट से मुझे ही वोट करना। इस गरीब से बंदर की शक्ल के इंसान को वोट मत करना जो कि यार मेरे पीछे खड़ा है, इसकी औकात भी नहीं है। और यार आपको पता है ये यार रोज सुबह पेपर डालने का काम करता है। अबे वो भाई सिंचान तुझे कैसे पता चला? अरे तुम्हें नहीं पता कि लॉस सैंटोस के सभी लोगों को पता है तुम बहुत बड़े गरीब हो? अबे तो चुप बैठ भाई अपनी स्पीच दे। अरे देखा कैसे चिढ़ गया ये पागल साला, तुम लोग एक काम करना बस मुझे ही वोट करना, मेरा नाम है सिंचान नोहरा, और यार आप सभी लोग मुझे वोट करोगे तो यार मैं आप सभी को आज हर एक वोट के बदले 10,000 रुपए दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, 10,000 रुपए दोगे तुम? बिल्कुल यार मैं आप सभी को 10,000 रुपए दूंगा। अगर आप सभी को 10,000 रुपए चाहिए तो एक काम करना बस मुझे ही वोट करना, इस गरीब को वोट मत करना, ये आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। और यार साथ में हर एक वोट के बदले मैं आप सभी को मेरे बढ़िया बढ़िया कार्स में घूमने का मौका भी दूंगा। अरे कौन सी कार है तुम्हारे पास? अरे वो देखो वो रही पीछे खड़ी BMW लैम्बोर्गिनी और एक बुगाटी, उनमें से जिस भी कार में आपको घूमना आप यार घूम सकते हो, बस यार उसके बदले आप सभी को मुझे ही वोट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंचान सर हम यार आप ही को वोट देंगे। अरे ये हुई ना बात, चलो यार मेरी ये स्पीच यहीं पर खत्म होती है, ये आप लोग बस याद रखना कि मुझे ही वोट देना, मेरा नाम है सिंचान नोहरा। चलो चलो मेरी स्पीच तो हो गई, अब यार देखते हैं गरीब की स्पीच ये कैसे स्पीच देने वाला है। अबे भाई ये सिंचान ने तो क्या ही तगड़ी वाली स्पीच दे दी। और यार गाइस आपने सुना था वो पहला रूल, भाई साहब आप लोग लालच देकर भी भाई साहब वोट ले सकते हो यार। भाई ये कैसे सीन हो रहा है यार, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लोगों को लालच देने के लिए। अब भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ? अब यार रुको भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पहले भाई अपनी स्पीच देता हूँ। यार क्या करूँ भाई मेरे पास तो कोई स्पीच भी नहीं है, चलो भाई जो मन में आए बोल देता हूँ। तो मेरे दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, मेरा नाम है भाई फ्रैंकलिन क्लिंटन, और यार मैं बनना चाहता हूँ अगला प्रेसिडेंट जो कि भाई आप सभी को एकदम खुश रखना चाहता है, और भाई अपने लॉस सैंटोस के लिए जान भी दे सकता हूँ मैं। अरे पर तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम्हें
तुम्हें क्या दू। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें यार लॉस सैंटोस के अंदर एकदम तगड़ी सुरक्षा मिलेगी, और भाई मैं इतनी मेहनत करके पूरे लॉस सैंटोस को डेवलप करूंगा कि भाई हर जगह पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग होगी, और भाई लॉस सैंटोस का हर एक इंसान के पास एकदम बढ़िया वाली जॉब होगी यार, जिससे कि भाई यार हर एक इंसान भाई बहुत ज्यादा अमीर बन सके। हमें तो यार तुम्हारे बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, पहले तुम खुद की हालत तो देखो, इतने घटिया से कपड़े पहन के आयो और यार हमें अमीर बनाने की बातें कर रहे हो तुम। अबे भाई अच्छे से बात कर ले, मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं करूंगा। अरे हमें भरोसा नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। अबे यार भाई तुम्हें कैसे भरोसा दिलाओ यार हमें। अरे तुम देख रहे हो सिंचैन सर के पास क्या ही बढ़िया बढ़िया वाली कार्स है, और वो तो हमें हर वोट के बदले 10,000 रुपए देने वाला है। तुम क्या दोगे हमें? मैं क्या दू? अबे भाई मैं बोल रहा हूँ ना मैं एकदम बढ़िया वाला प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा, बिल्कुल हमारे पिछले प्रेसिडेंट की तरह। अरे हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए यार वोट के बदले। बोलो तुम हर वोट के बदले 20,000 दोगे तब यार हम तुम्हें वोट देंगे। सिंचैन सर तो वैसे भी हमें 10,000 रुपए देने ही वाला है। अबे यार भाई मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं भाई हर किसी को दे पाऊँ। भाई तुम कितने सारे लोग हो यार, भाई मैं कैसे दे पाऊंगा इतने सारे लोगों को भाई इतने सारे पैसे। अरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें पैसे देने तो बोलो नहीं तो छोड़ो। अबे यार यार भाई मैं क्या करूँ। अरे हाँ तुम्हारे पास पैसे है तो बोलो, नहीं तो छोड़ो यार हम लोग नहीं वोट देंगे तुम्हें। अबे यार छोड़ो भाई तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जिसको वोट देना है दो भाई, बट भाई मैं आप सभी को वादा करता हूँ कि भाई मैं यार आप सभी को एकदम बढ़िया तरीके से जॉब दूंगा लॉस सैंटोस के अंदर, और भाई अपने लॉस सैंटोस को एकदम बढ़िया तरीके से डेवलप करूंगा। अगर आपको भाई डेवलप लॉस सैंटोस चाहिए तो गाइज मुझे ही वोट करना, और भाई जो कोई भी वीडियो देख रहा है मुझे ही वोट करना, ताकि गाइजर ये बड़ा सा घर और ये टाइट सिक्योरिटी मुझे मिल सके, क्योंकि गाइजर सिंचैन के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, फिर भी भाई वो मुझे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहता यार। छोड़ो कोई बात नहीं गाइज, देखते अभी क्या होता है। सर यार मेरी हो गई स्पीच खत्म। अच्छा रुको अभी आता हूँ मैं। चलो यार स्पीच तो हो गई, बट सबसे बढ़िया स्पीच तो मुझे फ्रैंकलिन की लगी यार, बिल्कुल मेरी तरह प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो, और यार लॉस सैंटोस को डेवलप करना चाहता है। ये सिंचैन को तो बस ये बड़ा सा घर और सिक्योरिटी चाहिए, इसको तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रेसिडेंट बन सके। बट आई होप कि यार तुम सभी लोग फ्रैंकलिन को वोट करोगे। बट छोड़ो यार पहले तो अपनी अनाउंसमेंट कंप्लीट करता हूँ। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी ने यार हमारे कैंडिडेट्स की स्पीच तो सुन ली, अब यार मैं आप सभी के लिए एकदम बढ़िया वाली यहाँ पर दो मशीन लगा देता हूँ, जिसमें यार आपकी जहाँ मर्जी हो उसको वोट कर देना और जिता देना अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को। बट एक बात याद रखना, इतना बढ़िया वाला प्रेसिडेंट चूज करना जो कि यार हमारे काम आए, ना कि कोई अपने मतलब के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहता हो। अरे हाँ सर हमें पता है वो सब, आप यार फटाफट से वोटिंग की मशीन लगाओ। अच्छा ठीक है अभी लगाता हूँ वोटिंग की मशीन। चलो बॉडीगार्ड्स फटाफट से वोटिंग की मशीन लगा दो। जी सर अभी लगाते हैं। चलो यार अभी जाकर बढ़िया सी कॉफी पीता हूँ और यार जाकर अपना शो देख लेता हूँ यार। भाई साहब ये वोटिंग तो होती रहेगी, रात में आकर यहाँ पर एकदम मस्त वाला रिजल्ट निकालूंगा। वैसे दोस्तों आप लोग भी यार कमेंट के अंदर वोट करना अपने फेवरेट कैंडिडेट को, और यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अबे यार भाई साहब ये तो तगड़ी दिक्कत हो गई यार। गाइस तुम लोगों ने देखा सिंचैन भाई सभी लोगों को क्या क्या देने वाला है। रुको भाई पहले तो चौप के पास चलता हूँ। अबे वो भाई चौप के बच्चे तूने देखा क्या हो गया? अबे भाई कल क्या हो गया? अबे भाई चौप तो थोड़ा दूर आ भाई, ये सभी लोगों के सामने बात करना अच्छी बात नहीं है। अबे भाई कल बता तो सही क्या हो गया? अबे भाई चौप तुझे पता है भाई सिंचैन के पास क्या ही महंगी महंगी वाली गाड़ियां है, जिसमें भाई सिंचैन हर एक बंदे को भाई एक एक राइड देने वाला है हर एक वोट के बदले, और भाई साथ ही साथ भाई 10,000 रुपए देने वाला है। अबे क्या बात कर रहा है भाई कलवे, तू सच बोल रहा है? बिल्कुल भाई चौप ये देख भाई, ये रही सिंचैन की कार्स। और गाइस तुम लोग देख रहे हो सिंचैन के पास भाई क्या ही महंगी वाली कार है भाई, BMW भाई लैम्बोर्गिनी बुगाटी, भाई सब मेरे पास काश यार ऐसी बढ़िया वाली कार होती, जिससे कि गाइस यार मैं भी इन सभी लोगों को भाई लालच देकर यार वोट ले लेता। बट गाइस यार तुम लोग देख रहे हो भाई मेरे पास भाई बस एक सड़ी सी बाइक है यार। भाई ऐसा क्या करो यार जिससे कि भाई ये सभी लोग मुझे वोट दे यार, और भाई ये सभी लोगों को भाई पैसे चाहिए यार, कितने मतलब ही लोग ये। अबे यार भाई क्या करूं गाइस, आप लोग एक काम करना यार, आप गाइस मुझे ही वोट करना, जिससे कि गाइस यार मैं लॉस सैंटोस का एकदम बढ़िया वाला प्रेसिडेंट बन सकूं, और भाई सिंचैन को दिखा सकूं कि भाई साहब मैं भी एकदम बढ़िया वाला प्रेसिडेंट हूं। बट यार गाइस फिलहाल तो इंतजार करते भाई वोटिंग की मशीन लगने का, फिर गाइस देखते यार किसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो गाइस यार भाई पूरे के पूरे 10 मिनट बीत चुके हैं, और भाई तुम लोग ये देखो भाई सामने ये सभी लोग भाई सिंचैन को वोट दे रहे यार, और भाई मेरे मशीन के सामने तो कोई भी नहीं आया भाई मुझे वोट देने के लिए। भाई चौप देख रहा है भाई तेरे एक गलती की वजह से भाई साहब मेरी कितनी तगड़ी बेइज्जती हो रही है। अब भाई कल मुझे लगा था कि भाई साहब तू बन जाएगा भाई प्रेसिडेंट, और भाई मुझे ये नहीं पता था कि भाई साहब ये सभी लोग सिंचैन से डरते हैं। अबे डरते क्या है भाई, ये सभी लोग भाई पैसों के लिए जा रहे हैं सिंचैन को वोट देने के लिए। अब गाइस मैं क्या करूं यार जिससे कि भाई ये सभी लोग मुझे आकर वोट दे यार। अबे भाई कल मैं तो बोलता चल अपना घर बेच देते हैं, फिर भाई उन पैसों से सभी लोगों से वोट ले लेंगे, फिर तो भाई हम ही बन जाएंगे प्रेसिडेंट। अबे उस घर से भाई क्या ही आ जाएगा यार, भाई साहब तुझे पता है ना हमारे पास एक ही घर है, और भाई फिर भी हमें वोट नहीं मिले तो भाई क्या करेगा, रास्ते पे रहेगा तू? अबे हां भाई कल तेरी बात तो सही है यार, वैसे छोड़ भाई चौप वो देख यार वहां पर क्या चल रहा है। सिंचैन सर मैं अभी आपको वोट दे रहा हूं, आप मेरे पैसे और यार आपकी कार में राइड दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल अभी दूंगा, पहले तुम मुझे वोट दो। अच्छा रुको अभी दबाता आपके वोट का बटन, ये दबाया बटन। और यार चलो सर अभी मैं जा रहा हूँ आपकी कार में घूमने के लिए, और यार जब मैं रिटर्न आऊंगा आप मेरे पैसे तैयार रखना। अच्छा बिल्कुल यार ठीक है रख दूंगा तुम्हारे पैसे तैयार में। और यार आओ दोस्तों आपको भी अगर मेरे कार में घूमना है तो आके मुझे वोट दो। अरे वाह यार आज तो मजा आ गया, इतनी बढ़िया कार में घूमने का मौका जो मिल गया वैसे एक वोट के कारण, और भाई साहब साथ ही साथ 10,000 रुपए मिलने वाले। भाई साहब दूसरा गरीब तो साला इतने पैसे
ऐसे देगा भी नहीं। मजा आ गया यार। चलो यार पहले तो इस कार में एकदम बढ़िया तरीके से घूम के आता हूँ, आकर अपने पैसे लूंगा, मजा आएगा। तो लेट्स गो। अबे भाई ये तो खतरनाक सीन चल रहा है यार गाइस, तुम लोगों ने देखा भाई उस बंदे ने भाई सिंचन को वोट दिया, उसके बदले यार सिंचन उसके 10,000 रुपए भी दे रहा है, और भाई लिटरली वो तो सिंचन की कार लेकर चला गया यार। अबे भाई ऐसा क्या करो यार, मैं अपनी बाइक लगा दूं यहाँ पर। अबे यार भाई ये सब क्या है यार, भाई साहब यहाँ पर रुकना चाहिए, रुको भाई मुझे। अबे भाई चौप के बच्चे एक काम कर भाई, तू बस यहाँ पर रुक कर भाई, लोगों को बोल तो भाई सही कि फ्रैंकलिन को वोट करो। अबे भाई कल हुए उससे तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी यार। अबे तू चुप बैठ भाई, मशीन के ऊपर फटाफट से खड़ा हो जा। चलो हो गया भाई कल हुए खड़ा। अच्छा ठीक है भाई चौप, अब एक काम कर भाई, लोगों को भाई जोर जोर से चिल्ला कर इन्वाइट कर भाई मुझे वोट करने के लिए, नहीं तो भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा कल हुए अभी करता हूँ, आओ मेरे दोस्तों आ जाओ हमारे कल हुए को वोट करो, इसका नाम है फ्रैंकलिन लैंटन, यही बन सकता है लॉस सैंटोस का एकदम बढ़िया प्रेसिडेंट। आओ 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 हमारे कल हुए को ही वोट करो। अब यार ये चौप का बच्चा कभी सुधरेगा नहीं भाई, हर बार कलवा करता है यार मुझे। छोड़ो गाइस ये चौप तो भाई अभी के लिए ये संभाल लेगा वोटिंग, बट यार गाइस अभी मुझे ही कुछ ना कुछ करके भाई साहब बहुत सारे वोट जमा करने पड़ेंगे। बट भाई कहाँ से करूँ यार, आप देख रहे हो भाई सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए यार। अब यार क्या करो क्या करो क्या करो भाई, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा यार भाई, कहीं से तो मुझे वोटिंग चाहिए यार। और भाई मेरे पास इतनी महंगी गाड़ियां कहाँ से आएंगी यार, भाई यार क्या करूँ, इनमें से कोई गाड़ी कुछ चला लूँ। अबे नहीं भाई यहाँ पर भी भाई कोई ढंग की गाड़ी नहीं है। अब भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ यार क्या करूँ यार, एक सेकंड भाई यहाँ पर ये किसका टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर कौन रह रहा है भाई। अबे छोड़ो भाई मुझे इससे क्या ही मतलब यार, मुझे कुछ तो करना होगा गाइस वोट्स के लिए। भाई ऐसा क्या करूँ, एक सेकंड, अबे ये क्या यार गाइस, तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो हवा में कोई तो उड़ रहा है यार। अबे यार ये कैसे पॉसिबल है, अबे यार रुको भाई जाकर देखता हूँ। अबे यार ये सब कैसे हो रहा है, अरे भाई तुम कौन हो यार भाई, हवा में कैसे उड़ पा रहे हो, अरे तुम कौन हो, अरे भाई मैं हूँ फ्रैंकलिन क्लाइंटन यार, पर भाई तुम कौन हो और भाई यहाँ पर जंगल में हवा में कैसे उड़ पा रहे हो। अरे बच्चे मैं तो अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल आप बताओ तो आप हवा में कैसे उड़ पा रहे हो, आपके पास कोई जादू शक्ति है। बच्चे मेरे पास बहुत सारी जादू शक्तियां है। अच्छा ऐसी बात है, वाह भाई यार ये तो बढ़िया चीज है। वैसे बच्चे तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। अरे अंकल मैं तो बस यार अपनी मदद करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। कैसी मदद बच्चे। अरे अंकल आपको पता है यहाँ पर यार एक प्रेसिडेंट का मेंशन है। अरे हाँ बच्चे वो मुझे पता है, पर तुम बता तो सही तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो तो अंकल यार मैं कैंडिडेट हूँ जो कि यार भाई प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वाह वाह ये तो बढ़िया बात है, तो यार तुम बने के नहीं प्रेसिडेंट। अरे नहीं यार अंकल मैं कहाँ से बनूंगा प्रेसिडेंट, अगर भाई अभी मेरे पास एकदम महंगी महंगी गाड़ियां होती ना तो भाई साहब मैं ऐसे चुटकी बजाते हुए भाई साहब प्रेसिडेंट बन जाता। अरे मतलब तुम क्या बता रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से बताओ। अंकल यार कैंडिडेट बनने के लिए दो लोग होते हैं, जो कि भाई मैं हूँ और भाई मेरा छोटा भाई है। बट आपको पता है मेरा छोटा भाई लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा बिलियनर है, तो यार उसने सभी लोगों को यार लालच देकर भाई उन सभी से वोट ले रहा है वो। पर भाई मेरे पास लोगों को लालच देने के लिए कुछ है ही नहीं यार, इसीलिए यार कोई भी मुझे वोट नहीं दे रहा है। अच्छा बस इतनी सी बात है, अरे इतनी सी बात, आपको ये बात इतनी सी लग रही है यार, इससे तो आपको पता है कितनी तगड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी, और साथ ही साथ आपको पता है उसने मुझे कितना बड़ा गरीब कहा। अरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? बिल्कुल बच्चे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यार आपके पास है ही क्या, आप तो भाई साहब यहाँ पर बिना कपड़ों के भाई हवा में उड़ पा रहे हो, और भाई बोल रहे भाई आप मेरी मदद करोगे। अरे बच्चे तुम बस देखो यार मैं क्या करता हूँ, ओम प्रेम श्रेम इस बच्चे की प्रॉब्लम से जाए स्क्रीम। अरे अंकल ये क्या हो रहा है भाई, मेरे अंदर से कौन सा धुआं आ रहा है, और यार ये क्या भाई कितने सारे पैसे भी उड़ रहे हैं। अरे बच्चे ये है मेरी जादुई पावर्स, जिससे कि यार अब तू अपने मन के अंदर जो भी मांगेगा तुझे सारी सारी चीजें मिल जाएंगी। पर भाई ये कैसे पॉसिबल यार, बाबा जी आप मुझे बताओ तो सही, कि आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे, और भाई मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, पहले यार मैं जा रहा था कहीं पर मदद ढूंढने के लिए। अरे बच्चे तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बस थोड़ी देर सबर करो, जैसे ये धुआं रुक जाएगा उसके बाद में मेरी पावर्स एक्टिव हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, चलो यार देख लेते हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है यार, ये बाबा जी सच बोल रहे होंगे क्या? छोड़ो भाई वो तो बाद में पता चलेगा जब भाई ये धुआं रुकेगा। अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई साहब ये बाबा जी की पावर्स काम करे, तो गाइस एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और यार गाइस कमेंट के अंदर मुझे ही वोट करना, ताकि गाइस यार मैं अपनी इस गरीब लाइफ से भाई बहुत अमीर बन सकूं। हां गाइस फटाफट से कर देना, और भाई अभी इंतजार करते हैं इस धुएं का रुकने का। हां कब रुकेगा, एक सेकंड, अरे बाबा जी धुआं तो रुक गया, देखा बच्चे धुआं रुक गया, अब यार तुम्हें जो चाहिए मांग लो। अरे बाबा जी आप सच बोल रहे हो ना, पागल तो नहीं बना रहे? अरे बच्चे तुम मांगो तो सही, दिमाग मत खराब करो मेरा। अरे हाँ भड़को मत यार, क्या मांगू बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बच्चे मांगो जल्दी, मुझे भी देखना अपनी पावर्स आई या नहीं तुम्हारे अंदर। हाँ रुको बाबा जी अभी मांगता हूँ। एक काम करो भाई, यहाँ पर अभी एक महंगी वाली गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स आ जाए। ओ भाई साहब गाइस तुम लोग देख रहे हो, लिटरली भाई यहाँ पर एक सच्ची में गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स आ गई। देखा बच्चे मेरी जादुई ताकत का कमाल, अब जाओ जल्दी से जीत लो उस वोटिंग को, और यार बन जाओ लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट। अरे हाँ बाबा जी बिल्कुल यार आपने सही कहा, और बाबा जी ये लो यार आज का न्यूज़पेपर, आप इसको पढ़ लेना बाद में। अबे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अबे छोड़ो भाई पढ़ाट से चलते भाई, इससे तो मजा आएगा यार। गाइस आप लोग देख रहे हो भाई मैं लोगों को जो चाहिए वो दे सकता यार। अबे यार ऐसे तो भाई मैं बाद में यार भाई जितने पैसे मांगू वो भी मिल जाएंगे मुझे, अभी मुझे तो प्रेसिडेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी गाइस चलूंगा यार, मैं बनूंगा भाई लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, और भाई सिंचन को दिखाऊंगा कि उसने आज जो मेरी बेइज्जती की है उसका अंजाम क्या होता है। अरे मेरे दोस्तों मेरे बहनों
भाई यार ये देखो यार, मेरे पास भाई कोई नॉर्मल सी कार नहीं भाई, गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स है, गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स। अगर आपको भी भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया कार चाहिए तो आपको एक काम करना होगा भाई साहब, मुझे वोट करना होगा फ्रैंकलिन ग्लाइंडन को, जो कि भाई आपको एक प्योर गोल्ड की कार देगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, गोल्ड की कार दोगे? बिल्कुल भाई मैं गोल्ड की कार दूंगा भाई, साथ ही साथ भाई 10,000 रुपए नहीं भाई, हर किसी को भाई 1-1 लाख रुपए, और साथ ही साथ भाई डायमंड भी दूंगा अगर तुम लोग आज भाई मुझे वोट करते हो तो। देख रहे हो भाई मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, अगर भाई तुम्हें इतनी सारी चीजें चाहिए तो आओ भाई फटाफट से मुझे वोट करो, मेरा नाम है फ्रैंकलिन ग्लाइंडन। अरे रुको अभी आते यार तुम्हें वोट करने के लिए भाई साहब, 10,000 रुपए से क्या ही होगा हमारा। अरे बिल्कुल भाई तुमने सही कहा, आ जाओ भाई फटाफट से इस तरफ और भाई मुझे आकर वोट करना। अब भाई कल तू ये गोल्ड की कार कहां से लेकर आ गया? अबे भाई चौप तू देख भाई अभी मैं क्या क्या करता हूँ, साला सिंचन को अभी बता दो कि भाई साहब बिलियनर क्या होता है। अबे भाई कल वे पर लोग अभी तक आए नहीं यार, अबे आएंगे भाई रुक जा थोड़ा इंतजार तो कर ले। अरे भाई हम तुम्हें वोट देने तो आ गए। अरे हाँ हम लोग तुम्हें वोट देने तो आ गए पर तुमने अभी तक हमें कुछ दिया नहीं। अरे हाँ भाई तुम लोग फिक्र क्यों करते हैं, रुको अभी तुम्हें देता हूँ। तो चलो भाई अभी एक काम करो यार, इन सभी लोगों के पास भाई फटाफट से 1-1 लाख रुपए आ जाए और भाई साथ ही साथ डायमंड भी आ जाए। ये लो भाई आ गए तुम्हारे पैसे और भाई डायमंड, अब भाई फटाफट से मुझे वोट दो और भाई चले जाना अपने घर पे। अरे बिल्कुल यार तुमने तो मजे करा दिए यार, इतने सारे पैसे डायमंड्स कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे भाई मैंने कहा था ना भाई मैं बहुत बड़ा बिलियनर हूँ, अब भाई बस फटाफट से मुझे वोट दे देना। अच्छा बिल्कुल यार दे देते अभी। और यार गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई कितने सारे लोग भाई मुझे वोट दे रहे हैं और भाई इन सभी को मैंने कितने सारे पैसे और डायमंड दे दिए। बट यार गाइस ये देखो यार ये कुछ 5 लोग है जो कि भाई सिंचाइन को ही वोट करने चले गए यार, मुझे लगता है भाई ये सिंचाइन के ही लोग हो सकते हैं। छोड़ो भाई मुझे क्या ही करना यार, अभी गाइस एक काम करता हूँ फटाफट से इन सभी लोगों के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया वाली कार्स मंगवाता हूँ। और यार गाइस मिलता आप सभी से रात के टाइम जब भाई हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, तब तक गाइस तुम लोग एक काम करो यार मुझे वोट करो या फिर सिंचाइन को वोट करो, जिसको मर्जी उसको वोट करो, पक्का वोट करना सिंचाइन को या फिर मुझे। अभी तो गाइस मिलते हैं शाम को जब यार हमारा रिजल्ट निकलता है। चलो फाइनली शाम हो गई, अभी जाकर यार फटाफट से रिजल्ट निकालता हूं लोगों का और यार देखते यार सिंचाइन या फ्रैंकलिन में से कौन बना है आज का प्रेसिडेंट। और यार ये क्या यार फ्रैंकलिन के पास इतने सारे लोग कहां से आ गए? अबे यार ये तो बड़ा अमीर निकला यार, छोड़ो मुझे क्या ही करना है। ओहो फ्रैंकलिन कैसे हो तुम? अरे सर मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप देख रहे हो सभी लोग भाई मुझे ही वोट दे रहे हैं। अरे बिल्कुल यार फ्रैंकलिन ये तो बढ़िया है। और सिंचाइन को कितने लोग है? अरे सिंचाइन को तो बस 5 लोग वोट दे रहे हैं। मतलब सर यार सभी लोग पहले सिंचाइन को दे रहे थे फिर भाई वो लोग मेरे पास आ गए। अच्छा ठीक है चलो यार पहले काम करता हूँ सिंचाइन का रिजल्ट निकालता हूँ। अरे हाँ सर आप मेरा रिजल्ट निकालो, आपको तो पता ही है ना मैं ही बनने वाला प्रेसिडेंट। अरे हाँ सिंचाइन वो तो देखेंगे, पहले तो रुको यार इस मशीन में देखने तो मुझे तुम्हें कितने वोट मिले हैं। तो यार सिंचाइन को मिले हैं पूरे के पूरे 100 वोट। क्या बस 100 वोट मिले मुझे? बिल्कुल सिंचाइन तुम्हें मिले हैं 100 वोट। और यार अभी आओ देखते हैं किसको कितने वोट मिले, फ्रैंकलिन की मशीन चेक करता हूँ। अरे हाँ सर बिल्कुल चेक करो यार, मुझे लगता है मैं ही बन जाऊंगा प्रेसिडेंट। बिल्कुल फ्रैंकलिन तुम ही बनोगे, अभी देखता हूँ कितने मिले हैं फ्रैंकलिन को वोट देखने दो। फ्रैंकलिन को भी मिले हैं पूरे के पूरे 100 वोट। क्या सर मुझे भी 100 वोट मिले? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन तुम्हें भी 100 वोट मिले और यार सिंचाइन को भी 100 वोट मिले। तो यार अभी रिजल्ट कैसे निकाले? सर आप कमेंट्स देख लो ना। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया, तो चलो अभी कमेंट्स देख लेते हैं। तो यार सबसे ज्यादा वोट मिले हैं फ्रैंकलिन ग्लाइंडन को। क्या बात कर रहे हो सर मुझे वोट मिले? बिल्कुल फ्रैंकलिन तुम्हें मिले हैं सबसे ज्यादा वोट, तुम्हारे सारे के सारे वोट मिलाकर होते हैं 500 वोट। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर आप? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन तुम बनते हैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट अगले 5 सालों के लिए। और यार ये बड़ा सा मेंशन होता है तुम्हारा और यार साथ ही साथ सारी की सारी सिक्योरिटी होती है तुम्हारी। अरे थैंक यू सो मच सर, आपने तो यार क्या ही बढ़िया खुशखबरी दे दी। ओह भाई सिंचाइन देख रहा है मैं बन गया भाई आपसे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। यार अब बोल भाई क्या बोलना चाहता है तू? फ्रैंकलिन भैया मुझे माफ कर दे यार, मैंने तो आपकी तगड़ी वाली बेइज्जती मारी थी। अबे छोड़ भाई सिंचाइन तुझे मैं क्या ही बोलूं। चल भाई सिंचाइन तू तो मेरा छोटा भाई है, तू तो मुझे छोड़ के चला गया था, फिर भी भाई मैं तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए भाई मैं तुझे अभी एक बढ़िया वाली चीज देना चाहता हूँ। कौन सी चीज यार? तू देख तो भाई सिंचाइन। तो चलो भाई अभी यहाँ पर एकदम बढ़िया वाली बहुत सारे गोल्ड आ जाए। ये ले भाई सिंचाइन ये सारा का सारा गोल्ड भाई तू रख ले, क्योंकि भाई आज भाई मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। अरे यार फ्रैंकी भाई आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो यार। हाँ भाई सिंचाइन मैं तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। और भाई अभी तो मैं जा रहा भाई अपने एक गोल्ड का हेलीकॉप्टर मंगवा कर भाई पूरे लॉस सैंटोस के अंदर घूमने के लिए। तो चलो भाई यहाँ पर फटाफट से गोल्ड का हेलीकॉप्टर आ जाए। तो ये देखो गाइस यार आ चुका अपना प्योर गोल्ड का हेलीकॉप्टर। भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा है और भाई ये तो पूरा आर्मी वाला लग रहा है। चलो गाइस चलते अपने बड़े वाले हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए। और भाई कल मैं कब आऊँ? तो आप तो एक काम कर भाई थोड़ी देर इंतजार कर ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में घूमकर। अच्छा ठीक है भाई कल है। तो गाइस यार तुम लोग देख रहे हो अपने लॉस सैंटोस का नया प्रेसिडेंट जा रहा भाई गोल्ड के हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए। ओहो भाई साहब मजा आ रहा है यार। गाइस यार आप लोग चाहते हो कि भाई साहब मैं इस सीरीज को आगे कंप्लीट करूं, तो गाइस यार एक काम करना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना कि भाई साहब मुझे लॉस सैंटोस के लिए अभी क्या क्या करना चाहिए। और गाइस अब तो आप लोग देख ही सकते हो कि भाई साहब मैं बहुत अमीर बन गया यार। और गाइस थैंक यू सो मच यार, गाइस आप लोगों ने मुझे बहुत सारे वोट करके जिता दिया, इसलिए गाइस यार मैं आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ। तो चलो यार गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और ऐसे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।